लेकिन मुझे ये था कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैंने स्किन पर कोई बेस वगैरह नहीं लगानी, मैंने सीधा सिर्फ मेकअप करना है, तो वो मैं आप लोगों को सारा बताऊंगी। सबसे पहले मैंने करना क्या, सबसे पहले मैं फेस का करूंगी, या फेस का करने के बाद जो मैंने करना है फेस का, फिर उसके बाद मैं आंखों का करूंगी, फिर मैं यहाँ से करूंगी, और फिर मैं होंठों का करूंगी। स्टेप वन की तरफ चलते हैं, जो फेस का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे सबसे पहले फेस पे बनाना क्या, मुझे फेस पे इधर और इधर बनाने हैं, इधर करके या कहीं भी करके कट्स बनाने हैं, जो कट्स लगे और टांग के लगे हों। तो उसके लिए मैं लाइनर का यूज़ करूंगी और मैं टिंट का यूज़ करूंगी, क्योंकि टिंट ही खून के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये लाइनर है मेरे पास, तो मैं लाइनर को ऐसे करके कहीं से भी लाइन लगा के और किसी भी तरह से स्टिचेस बना दूंगी, ताकि ये रियल लगे और लगे कि मुझे चोटें लगी हुई हैं। एक मैंने इधर बनाया, एक हम ऐसे करके बना देते हैं कि प्रोमिनेंट भी हो, और ऐसे डन हो गया। अब इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो ये मेरा डन हो चुका है, थोड़ी चोटें लग रही हैं मुझे, लग रहा है मुझे चोटें लगी हुई हैं। और अब ये मेरे पास टिंट है, ये लिप टिंट है, ये मैं लगाऊंगी अपने फेस पे। ये मैं ऐसे ही कहीं ना कहीं लगा दूंगी डॉट, और फिर इसको एंड पे देखती हूँ करके कि ये किस तरह लगेगा। तो ये मैं बस साथ साथ अपने स्टिचेस के साथ साथ लगाऊंगी, और इसको ब्रश लेके तो अब मैं इसको ऐसे 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 कर दूंगी ताकि चोट लगे। तो अब ये देखें, इस तरह करके ये मेरा डन हो चुका है। इतना लग रही है थोड़ी बहुत चोट, तो ये मेरा डन हो चुका है। अब ये स्टेप वन था, और स्टेप टू था मेरा आंखों का करना। आंखों का जो है वो मैं इसी के साथ मैचिंग करूंगी। मेरी ड्रेस है ब्लू, और रेड भी बीच आ रहा है, इसलिए मैंने रेड रेड किया। ब्लू और रेड के साथ मैं आंखों का करूंगी। और मैं आंखों का मेकअप करने के लिए मैं ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मुझे सबसे पहले रेड कलर यूज़ करना है। रेड कलर जो है वो मुझे करना है ऐसे कॉर्नर्स पे यूज़, इसी तरह करके कॉर्नर्स पे मुझे लगाना है रेड, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, और दरमियान में मुझे लगाना है ब्लू कलर। ठीक है, तो अभी ये दरमियान में मैं लगा दूंगी ब्लू, और इसी तरह मेकअप करना है हमें। तो ये एक्स्ट्रा जो मेरा निकला है वो मैं अपना साफ कर लेती हूँ अभी, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरा डन हो चुका है, अब जो एक्स्ट्रा बाहर निकला है वो साफ करती हूँ और इस आंख पे लगा कर लिया है, और मैंने अपना लेवल पे कर लिया है। अब जो है ना मुझे थोड़ा सा वो बनाना है, थोड़ा सा ना आंखों पे कुछ करना है लाइनर से, तो वो मैं देखती हूँ। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कुछ डॉट्स वगैरह यहाँ पर बना लेते हैं, और बस फिर यही यहीं पर डन कर देंगे आंखें हमारी। तो मैं ये डॉट इस आँख पर भी लगा के आती हूँ। तो अभी मेरी आंखें डन हो चुकी हैं, अब यहाँ वाली साइड पे लगेगा। उसके लिए मैं टिंट यूज़ कर रही हूँ, मुझे कलर एक लगाना है जो मतलब टिंटी कलर है, रेड कलर, और फिर अंदर डॉट लगाने हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये डॉट डॉट आ रहे हैं तो कलर, और उससे करके सही कर दूँगी, एक लेवल पे ले आऊँगी इस कलर को। तो ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी भूत नहीं बनना है मुझे बस। तो अब मुझे यहाँ पर बनाने हैं डॉट, डॉट जो तरह आप लोगों ने देखे होंगे, वो हैक पे चढ़ा था ब्रश के ऊपर लगा के ब्राउन कलर, और डॉट जो लगाते हैं ना ये, बस वही वाले डॉट लगाने हैं। तो अभी मेरे डॉट भी डन हो चुके हैं, अब मेरी लिपस्टिक रह गई है, वो मैंने लगानी है रेड कलर की, प्योर रेड लगानी है। बाकी जो है मेरा मेकअप ऑलमोस्ट लगा लिया, मेरे पास बाहर ये है, बाकी मेरे जितने भी कलर हैं वो अंदर है, या तो मैं अपना रेड कलर लेके आती हूँ, क्योंकि रेड टिंट लगाऊंगी उसकी जगह भी, क्योंकि ये मैच हो रहा है ना। तो अब जो है मेरा मेकअप जो है ये डन हो चुका है, तो मुझे आपने बताना है कि मैं भूत लग रही हूँ या नहीं, हेलोविन मेकअप मेरा लग रहा है या नहीं, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट में। तो यही था मेरा आज का मेकअप। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट में बताइए मेकअप कैसा था। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।